काले टफी, तुझे खिलाने वाली अब वापस नहीं आएगी। वो तो निर्मोही ही थी, 4 दिन का मोह जताकर हमें अकेला छोड़ गई। काले बेटा। भाई मिया, भाई मिया, हौसला रखो। पता नहीं क्या जादू था इस बच्चे में, इसके बिना तो जीना भूल गए, जीना भूल गए डॉक्टर। अरे भैया जी, रुको रुको रुको, कैसे हो भैया जी? ये लो पैसे, ये लो भैया जी, पिछले दिनों चमत्कार हो गया। अरे जगन, जगन, सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कह दिया था कि हमारी भौजी कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन लेकिन हमें विश्वास था, हमें विश्वास था उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पूजा भौजी ने उनके लिए प्रार्थना की थी ना भैया जी, और वही हुआ, उनकी आंखें खुली, वो मुस्कुराई। हमने उनको यही कहा, ये सब चमत्कार उस भौजी का है जिसका हाथ हमारे सर पर हमेशा है। भैया जी, मैं ये खुशखबरी अपनी पूजा भौजी को जाकर सुनाता हूँ। वो हाथ हम पर से उठ गया लल्लू, क्या हो गया बड़े भैया, क्या हो गया बड़े भैया? मालिक, मालिक, हमारे आंसुओं के लिए जान दे गई भौजी, आपने आशीर्वाद में हमारी भौजी को जीवन दान दे गई भौजी, जीवन दान दे गई। बड़े भैया, पूछो उस भगवान से, अच्छे लोगों को अपने पास क्यों बुला लेते हैं, क्यों बुला लेते हैं? पूछो ना भैया जी, पूछो ना। लल्लू, तेरी पूजा भौजी तो स्नेह की देवी थी, ममता का भंडार भरा था उसमें, वो भी तो प्यार का भूखा है, उसे भी तो प्यार चाहिए लल्लू, उसे भी तो प्यार चाहिए। बाबा जी, आप जिस प्यार और ममता की बात कर रहे हो उसमें तो हमारे पुण्य राजा का हक था ना, था ना हक। अब क्या होगा पुण्य राजा का? बड़े भैया, अब क्या होगा मुन्ने राजा का? बड़े भैया बोलिए ना, क्या होगा मुन्ने राजा का? बोलिए ना भैया।